हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। ये है फ्लैक्स सीड की लड्डू। तो आपको पता ही होगा कि फ्लैक्स सीड की कितनी बेनिफिट होती है। फ्लैक्स सीड हैज़ अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल, आयरन, ओमेगा 3 एंड कैल्शियम, एंड इट्स ऑल्सो गुड फॉर हार्ट। इट रिड्यूसेस कैंसर रिस्क, इट इज़ गुड फॉर डाइजेशन, इट इम्प्रूव कोलेस्ट्रॉल एंड इट रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर and also help to control our blood sugar। तो इतनी benefit है इसमें और आपको इसे अपनी daily routine में definitely include करना चाहिए। चाहे आप इसे ऐसे simple भी खा सकते हैं milk में mix करके, या आपको जो मैं बता रही हूँ ये best recipe है, आप एक बार try करके देखिएगा, definitely आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए इसकी जो प्रोसेस है बनाने की वो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम जो है फ्लैक्स सीड लिया है। तो ये आपको किसी भी ग्रॉसरी शॉप में या किसी भी ड्राई फ्रूट शॉप में आपको ये मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे ड्राई रेड चिली लिया है, होल ड्राई रेड चिली। ये लगभग 4 से 5 होंगे। और साथ ही मैंने इसमें 4-5 तेज पत्ता लिया है, और ये होल धनिया जो सीड्स होती हैं वो यहाँ पे मैंने लिया है, कोरिएंडर सीड्स। ये फ्लेवर इन्हांस करता है। तो अभी ये सारे जो भी इंग्रेडिएंट हैं इन सभी को मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है, देखिए इसमें कोई भी ऑयल हम ऐड नहीं कर रहे हैं, इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो ये फ्लैक्स सीड मैं अभी इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही ये जो मैंने रेड चिली और जो तेज पत्ता लिया था उसे भी ऐड कर दूंगी, और कोरिएंडर सीड भी इसमें हम ऐड कर देंगे। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से इसे पकाना है। इसे हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक इसमें से अच्छी से आवाज़ नहीं आने लगी। जब आप इसे आप भूनेंगे तो इसमें से पटपट करके आवाज़ निकलेगी। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा इनका कलर चेंज करना है। तो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ वो धीरे धीरे चटकना स्टार्ट कर दिया है। जब ये अच्छे से चटकने लगे, जैसे हमारे पॉपकॉर्न चटकते हैं ना, सेम उसी तरीके से ये भी चटकने लगेंगे आपके। जब ये इस तरीके से हो जाएंगे तो हम गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए ये अच्छे तरीके से चटक गया है। तो अभी मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर दूंगी, और मैंने इसे निकाल लिया है। इसे निकाल कर आप अच्छे से इसे ठंडा कर लें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसके पाउडर बनाएंगे। अभी इन सारे जो भी हमारे इंग्रेडिएंट हैं इसको हम एक ब्लेंडिंग जार में डाल करके इनका अच्छा सा हम पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। तो ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। ये जो मैं बना रही हूँ इसे आप राइस दाल इसके साथ भी खा सकते हैं, इसकी चटनी भी आप बना करके खा सकते हैं, और ये नॉर्मल आप अर्ली मॉर्निंग जब भी उठते हैं तो बिना कुछ खाएं आप इसके बस 1/2 टेबल स्पून आपको इसको खाना है। देखिए तो मैंने ना इसको चटनी वाले ब्लेंडर जार में रखा है और इसको अच्छे से मैंने पीसा है। इनकी ऑयल जब तक रिलीज़ नहीं होती है तब तक आपको पीसना है, तभी आप उसके लड्डू बना पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा पीस लिया है, और देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पे लड्डू बना रही हूँ। जैसे हम नॉर्मल लड्डू बनाते हैं सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पे लड्डू इसके बना देने हैं। ये लड्डू बनके तैयार है। इसी तरीके से मैं दूसरे लड्डू भी बना लूँगी। तो मैंने यहाँ पे इसका लड्डू बना लिया है। ऐसे ऐसे करके मैं यहाँ पे सारे लड्डू बना लूँगी। हमारा जो फ्लैक्स सीड है वो बनके तैयार है। इसे आप एयर टाइट कंटेनर में आप रखें, इसे फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर ही रहता है, और आप इसको एयर टाइट कंटेनर में ही रखें तभी ये काफ़ी दिन आपका चलेगा। और इसे डेली लाइफ में आप डेफिनेटली इंक्लूड करें, और इसकी बेनिफिट जो होगी फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इससे क्या क्या फ़ायदा होती है।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. सी यू सून विथ न्यू रेसिपी. टिल देन बाय. टेक केयर.